आप फिर से आ चुके हैं बंका मशीन की यूट्यूब चैनल पर और आज हम हैं रोहतक में गणपति फास्टनर्स में। तो बात करते हैं साहब से आज कि इन्होंने हमें गुजरात में, मतलब यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर हमें ढूंढा कैसे और हम पर भरोसा कैसे किया और कैसे हमारा साथ सबसे पहला मशीन खरीदने का व्यवहार हुआ। हाँ जी, तो आप बताइए आपने हमें ढूंढा कैसे? मैंने आपको नेट पे ढूंढा, नेट पे देखा आपकी मशीन को, डिज़ाइन वगैरह देखा, काफ़ी पसंद आया, तो हमने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं मशीन को। तो इसके बाद हमने आपसे बातचीत की फ़ोन पे, उसके बाद आपको ऑर्डर दिया और फिर हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इतने साल हो गए हम यूज़ करते हैं। साहब से मैं ये भी पूछूंगा कि कितने सालों से हमारी मशीन यहाँ अप्रॉक्सीमेट चल रही होगी और कितनी मशीनें चल रही होगी? लगभग हमारे पास आपकी 12-13 साल से चल रही है मशीनें और 10 से ऊपर मशीनें हो गई हैं लगभग। तो 10 से ज़्यादा साहब आपके पास मशीन है, 12-13 साल से चल भी रही है, तो कभी कभार ऐसा भी हुआ होगा कि कोई मशीन में कोई खराबी आ गई हो, कोई पुर्जा चाहिए हो, कोई चीज़ से वो मशीन रुक चुका हो, तो उस वक्त आपको सपोर्ट कैसा लग रहा है और हमारा व्यवहार आपको कैसा लग रहा है? नहीं, सपोर्ट पूरा है, कोई भी स्पेयर मांगते हैं तो भी 2-3 दिन में आ जाता है, कुरियर से हम भिजवा देते हैं, कुरियर से भेज देते हैं और हमारा सेल्स वाला बंदा आपको तुरंत जवाब, उसको हम फोटो वगैरह भेज देते हैं, हमें कौन सा स्पेयर चाहिए तो समझाने के लिए, तो आ जाता है, तुरंत आ जाता है। ये तो हुई बात पिछले सेल्स और सपोर्ट की, लेकिन मैं यहाँ के दर्शकों को, जो रोहतक या दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव इस एरिया के जो दर्शक हैं, उन्हें ये भी बताना चाहूँगा कि गणपति फास्टनर्स क्या क्या काम करता है, उसका वर्क, उसका स्कोप क्या है। गणपति फास्टनर्स एक्चुअली जो फास्टनर्स होते हैं ना, उनकी टूलिंग बनाते हैं, उनकी टूलिंग बनाते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं। जैसे आपके राजकोट में भी है ना, काफ़ी कंपनी है फास्टनर बनाने वाली, तो उनको भी हम सप्लाई करते हैं, वहाँ पर भी सप्लाई है। तो बेसिक आप फास्टनर के लिए जो टूल चाहिए होता है, वो जैसे वो बार को ड्रॉ करने के लिए उसको उसमें जो हार्डन वाली चाहिए, वो सब आप चीज बनाते हैं? हाँ जी बिल्कुल बनाते हैं, काफ़ी सारी वायर बनाने वाले लोगों को, जो सब वायर बनाने वाली। अच्छा, तो साहब हमारी बात यहाँ ख़त्म करते हैं, बहुत अच्छी तरह से हमारी बात हुई और हम यहाँ पर जो मशीन कहीं वर्कशॉप में चल रही है उसकी 10-12 साल बाद अभी क्या हालत है, कैसी दिख रही है, कैसी चल रही है, वो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे।